अस्सलाम वालेकुम स्वीट वीवर्स, एक बार फिर आपकी होस्ट नाजिया हाजिर खिदमत है एक झटपटी और क्विक मीठे के साथ। जी नाजीन, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है डबल रोटी का मीठा। बहुत ही आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, प्लीज़ नोट करें। नाजीन, इसमें मुझे 3 से 4 अदद मैंने स्लाइस लिए हैं ब्रेड के और उसको हाफ से टक लगा लिया। 1 कप दूध, 1 कप घी, 2 अदद अंडे, 1/2 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, 2 से 3 पिंच इलायची पाउडर और 4 से 6 खाने के चम्मच चीनी के। तो चलिए नाजीन, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी नाजीन, पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब मैं घी ऐड करूँगी। जी नाजीन, घी हमारा गर्म हो चुका है, 1 पिंच मैं इलायची की डालूँगी इसके अंदर और ब्रेड के स्लाइसेस को लाइट गोल्डन करेंगे। ये देखें, आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, तेज आंच पे नहीं करना ये। जी नाजिम, अब मैं इसको पलटूंगी। जी नाजिम, देखें दोनों साइडों से स्लाइस गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। जी नाजिम, फिर घी ऐड करूँगी, थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे और बाकी स्लाइसेस। इसको भी बिल्कुल इसी तरह हल्की आंच पे लाइट गोल्डन करूँगी। जी नाजिन, जितनी देर तक हमारी वो ब्रेड गोल्डन ब्राउन होती है उतनी देर हम अपना दूध और अंडे का बैटर तैयार करते हैं। इसमें नाजिन मुझे मलाई वाला दूध चाहिए, ये देखें इसके अंदर क्रीम भी है। इसके अंदर मैं अंडे शामिल करूँगी, 2 अंडे, 4 से 6 खाने के चम्मच और जितना आप पसंद करते हैं मीठा उतना डाल लीजिएगा। मैं पहले थोड़ा डालती हूँ। दो से तीन कतरे वनीला एसेंस के। जी नाजिम, को अच्छी तरह से बीट कर लूँ, चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी नाजिम, स्लाइस देखते हैं अच्छे से ये गोल्डन हो गया, इसकी साइड पलट देते हैं। जी नाजिम, ये स्लाइस भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब दूसरे स्लाइस भी मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी, ये देखें इस तरह। आंच बिल्कुल धीमी है मेरी और बाकी जो घी बचा है उसको जो साइडों पे लगा के और बैटर को इसके ऊपर आराम से मैं स्प्रेड कर दूँगी। जी नाजिन, ये जो इलायची पाउडर बचा है इसको मैं ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। आँच हमारी बिल्कुल स्लो है, अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। जी नाजिन, अब हम अपना मीठा चेक करते हैं। ये देखिए नाजिन, बड़ा सा जबरदस्त। इसको मैं पलटूंगी।
जी नाजिया, घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा घी हमें जब अंडे अच्छी तरह से फूल जाए उसके किनारों की साइड पे थोड़ा सा एक दो चम्मच घी आप शामिल कर दें ताकि अच्छी से तरह ये फ्राई हो जाए। नाजिया अब इसको मैं पलटूँगी ताकि अच्छे से अंडे भी अच्छी तरह से घी के अंदर रोस्ट हो जाए। ये देखें नाजिया, बड़ा ही ज़बरदस्त क्रिस्पी जी नाजिया। अब मैं चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज करूंगी और तेज आंच पे इसको जरा कट लगाऊंगी ताकि ये ब्रेड और अंडा चूड़ी की शक्ल में आ जाए, अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो जाए ब्रेड। फ्लेम में तेज की है, तेज आंच के ऊपर इस तरह से देखना भी दो से तीन मिनट भूनने के बाद नाजी और मैं इसके में क्रश आलमंड ताकि वो भी इसके अंदर खुशबू आ जाए, बादाम रोस्ट हो जाए और थोड़े से मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। ये देखिए नाजी ज़बरदस्त डबल रोटी का मीठा रेडी जी नाजी। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। आलमंड के साथ गार्निश करेंगे जी नाजी। डबल रोटी का मीठा तैयार है। नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।